ये राइड शुरू हुआ मेरे फर्स्ट सब्सक्राइबर मीटअप जो कि 10,000 सब्सक्राइबर पे मैंने ऑर्गेनाइज किया था बैंगलोर में। बस वहीं से सारी के सारी प्लानिंग शुरू हुआ एंड फिर हम निकल पड़े के टू के राइड पे। सो राइड जो है अर्ली मॉर्निंग शुरू हो गया, करीब 6-6:30 बजे तक हम लोग निकल गए बैंगलोर से, विधान सौदा से। वहाँ पे करीब हम लोगों को 20 से 25 बाइक्स जो है ज्वाइन करने लगे टिल सुलगरी। तो सुलगरी के पास जो मैकडी है वहाँ पे हम लोग, फिर वहाँ पे एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था जहाँ पे हम लोग सब ब्रेकफास्ट किए एंड फिर सुलगरी से निकलते निकलते करीब हम लोगों को हो गया ऑलमोस्ट 11 बजे, जो कि काफ़ी देर हो चुका था एक्चुअली। सो कन्याकुमारी जो है करीब 660 किलोमीटर है, 660 किलोमीटर्स फ्रॉम बैंगलोर। सो ऑब्वियसली बहुत टाइम लगने वाला है। इट वॉज वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड इसकी वजह से आप देख सकते हो कि गर्मी की वजह से स्टिक जो है थक गया है, मेरा राइड पार्टनर, एंड वो सो गया है एक दुकान पे। फाइनली कन्याकुमारी हम लोग पहुंचे करीब 12:30 बजे रात को। तो काफ़ी थकान वाला राइड था एंड देन होटल ढूंढ के चेक इन कर लिए और फिर नेक्स्ट डे। It's about 8 a.m. in the morning. It's quite raining actually outside. So yesterday's ride was good, but just that the crosswinds were like very bad. So we were just doing like this, like full on contest here. Guys, you need to check this out. This looks fabulous. You're riding in the middle of what he calls something which goes inside the ocean. Wow. That's really amazing. I think this is where we have to stop, because if we take it further, you won't be able to get our bikes back. Yep. And ये जगह जो थी, ये अपना starting point था officially कन्याकुमारी, सबसे नीचे वाला हिस्सा जो भारत का है। तो यहाँ से हम लोग शुरू किए, कुछ फोटोज वीडियोज लिए एंड उसके बाद हम निकले जो है नागरकोइल पे है, बजाज का जो शोरूम है वहाँ पे हमारा मीटअप था। तो 10 बजे करीब था और लेकिन हम लोग ने करीब 11 बजे पहुँचे क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे, लेकिन वहाँ पे माहौल कुछ बढ़िया ही था। थैंक यू सो मच। And they have prepared a nice photo for us. That's really amazing. बुलू भाई राइड पे अगर खाना नहीं खाए तो आए ही क्यों? I am having paratha with this chana sabji and this is mushroom curry and here is what do you call salad with pumpkin halwa or sweet we can say. The taste is amazing. I am at Savanbhava. कन्याकुमारी से वापस तो बस वॉट ही लग गया। हम लोग करीब रात को 2-2:30 बजे पहुंचे होंगे बैंगलोर में, क्योंकि हम लोग शुरू ही लेट किए। मेरे ख्याल से नागरकोइल से जब हम शोरूम से निकले करीब 11:30 या 12 हो चुका था, तो 2:30 बजे रात को पहुंचे बस। इट्स ऑलमोस्ट लाइक 10:15 एंड वी हैव रीच्ड सेलम। फ्रॉम हियर बैंगलोर इज अबाउट लाइक 180 किलोमीटर। वेरी टायर्ड। The bikes are parked there. And this, what do you call the Kanyakumari road? The crosswinds. Yeah. It's so terrible. It's like so this, difficult to ride. Like that. Yes. Like that. So while going to Kanyakumari, the bikes were like this. And left. And while returning back, it was like this. Next day, हमारे ride का plan था हैदराबाद के लिए, बैंगलोर से हैदराबाद। बस वही हुआ, हैदराबाद पहुँचे एंड पहुंच के वहाँ पे फिर एक मीटअप हुआ। फिर मीटअप करने के बाद वहाँ से निकले हम पुणे के लिए। मीटअप ही देख लीजिए आप। मीटअप खत्म और हम निकल पड़े पुणे के लिए। लेकिन भाई साहब, पुणे के रास्ते को हम लोग कुछ ओवर एस्टिमेट सा कर दिए थे, लेकिन बाद में पता चला कि रास्ता कम और गड्ढे ज्यादा है। इतनी डिफिकल्टी हुआ क्योंकि इससे पहले वाला दिन का राइड जो था बैंगलोर से
हैदराबाद के लिए वो करीब 600 किलोमीटर का राइड था, लेकिन मक्खन जैसा था तो हमारे लिए तो बस केक वॉक टाइप हो गया था। तो इस दिन का अब ट्रिप जो है पुणे के लिए करीब 550 या 570 के अंदर है, 550 टू 570 किलोमीटर फ्रॉम हैदराबाद टू पुणे। लेकिन रोड वॉज सो पैथेटिक, यू कैन सी लिटरली पॉट होल्स ऑन द रोड, सो इतने सारे पॉट होल्स, तो इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू राइड फास्ट एक्चुअली। तो हम लोग थोड़ा लेट ही पहुंचे, करीब सेम चीज हो गया कि हैदराबाद से निकले करीब 11-12 बजे एंड पुणे पहुंचते पहुंचते 2:30 बजे हो गया। एंड देन वहां पे हमको ज्वाइन करते हैं राजू सर। राजू सर का भी वैसे ही कुछ सीन हो गया था कि वो बैंगलोर से डायरेक्टली पुणे राइड कर रहे थे एंड फॉर हिम इट वॉज लाइक ए हेल लॉट ऑफ राइड विथ रेन। बस उनके लिए करीब 850 किलोमीटर है जो बैंगलोर से पुणे, एंड बारिश में भीग भीग के वो राइड कर रहे थे। वो भी रात को वही करीब 2:30 बजे पहुंचे और उसके बाद बस चला फनी सीन शुरू राजू सर के साथ। It is getting sprayed by all this road dirt and everything. The mud dirt. And everything. But and I don't you cannot see anything. Yes. I cannot see. I want a big bang for my buck. You want just a bang for your buck. not exactly. See, because my I want only this buck. He wants only the bang. बस ऐसे ही मजाक होने लगा, बकर शुरू। फिर पुणे पे मीटअप भी हो गया अपना। We are here at Planet Bajaj. अब इतना देर हो गया, खाना नहीं दिखाए तो क्या देखे आप लोग? So guys, this is our lunch and we have chapatis, have a pickle, something which is in pink, looks like a pink rasam. Pink rasam. Okay. Some veg curry, spice. Looks nice overall. Next day, ride to Surat, Gujarat. We are now heading towards Lonavala. Hello, Mumbai. So guys, guess what? We are right now at Mumbai and can see the traffic. बस ride करते करते हम पहुंचे सूरत, गुजरात में। सूरत जो है पुणे से करीब 410 किलोमीटर था roughly. लेकिन प्रॉब्लम यह हुआ कि मुंबई पे बहुत सारा ट्रैफिक था एंड उसी दिन एक टैंकर जो होता है, एक ट्रक उलट गया था, उसी के वजह से फिर ट्रैफिक ब्लॉक था, जिसके वजह से हम लोगों को कुछ और रूट्स लेना पड़ा। लेकिन जो भी हो, फाइनली हम लोग रात तक सूरत पहुंच गए एंड उसके बाद अगले दिन हमारा राइड था सूरत से लेके उदयपुर, जो कि करीब 470 या करीब करीब 500 किलोमीटर की राइड थी। सो वो हम लोग फिर उदयपुर पहुंच गए एंड देन उदयपुर से उसके अगले वाले दिन हम लोग निकले जयपुर के लिए। तो उदयपुर से जयपुर जाने के टाइम पे हम लोग बीच में हम लोगों को कुछ साथी मिल गए जो हम लोगों को पुष्कर की सैर कराए। दिस सीरियसली लुक्स लाइक पुरी मैन, जगन्नाथ पुरी। आई गेस ऑल द रिलीजियस प्लेसेस काइंड ऑफ लुक्स द सेम। हाँ, बंद है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ऑफ रोडिंग सही में लगेज के साथ। सो टाइम फॉर लिटिल ऑफ रोड सैंडी राइड। अब राजस्थान में रेक में गाड़ी नहीं चलाया तो क्या मजा आया। माय बाइक इज सो हैवी। एक डी रूट हो गया पुष्कर के लिए, पुष्कर घूम के आए, फिर उसके बाद हम लोग जयपुर में पहुंचे एंड देन जयपुर में एक छोटी सी मीटअप हुआ बजाज शोरूम पे एंड फिर वहां से हम लोग निकले दिल्ली में। और दिल्ली पहुंचते पहुंचते वही हालत हो गया कि ट्रैफिक, भयंकर ट्रैफिक था, बहुत डिफिकल्ट था वहां पे पहुंचना। थोड़ा डिफिकल्ट भी मेरे लिए हो रहा था क्योंकि रूट पता नहीं चल रहा था एंड मैप जो है बहुत सारा मिसगाइडेड रूट्स दिखा रहा था।
तब कोई दोस्त मिल गया हमारे वहाँ पे, एक सब्सक्राइबर दोस्त मिल गए जो हमको हेल्प किए एंड सही जगह पे पहुँचा दिए। अगर आपको दिल्ली की ये डिटेल व्लॉग देखनी है तो यहाँ पे आई बटन पे मैं डाल दूंगा, आप देख सकते हो। फिर दिल्ली से हम लोग अगले दिन निकले जम्मू की तरफ, जो कि राइड 600 किलोमीटर की थी, लेकिन बहुत डिफिकल्ट वाला राइड था बिकॉज क्लाइमेट बहुत बुरा था, बहुत धूप थी, बहुत 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 ज़्यादा टेम्परेचर था, तो जिसमें चलाना बहुत डिफिकल्टी था। और हम लोगों को वहाँ पे दिल्ली से जब हम लोग निकले तो हमको DOC जो डोमिनर ओनर क्लब है दिल्ली की, वो लोग बहुत अच्छे तरह से हम लोगों को वेलकम किए। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है DOC दिल्ली भाई लोग है, जो डोमिनर क्लब, डोमिनर ओनर्स क्लब ऑफ दिल्ली। इनफैक्ट हमारा एक बहुत अच्छा मीटअप भी हो गया दिल्ली की शोरूम पे, जो है बगा बजाज, बगा लिंक बजाज, जो वहाँ पे करोल बाग में है, वहाँ पे हो गया। फिर वहाँ से हम लोग निकले जम्मू, और जम्मू भी वैसे ही हुआ, पहुँचते पहुँचते रात को करीब 10 बज गया। तो दिल्ली से हमारे साथ ज्वाइन हुए थे सुगत, जो कि उड़ीसा से राइड करते हुए आए थे दिल्ली तक, फिर वहाँ से हमारे साथ वो राइड करने लगे। तो स्टिग, सुगत और राजू सर जो है वो लोग डायरेक्टली दिल्ली से जम्मू वाला हाईवे पकड़ के वो लोग निकल गए जम्मू के लिए, और मुझे जो है पिकअप करना था मेरी वाइफ को चंडीगढ़ से। सो मैंने चंडीगढ़ की तरफ गया एंड वहाँ से मैंने अपनी वाइफ को एयरपोर्ट से पिक किया, फिर वहाँ से मैंने फटाफट निकल पड़ा जम्मू की तरफ। तो फाइनली हम लोग मिल गए पठानकोट के पास, फिर वहाँ से हम लोग जम्मू तक राइड किए, एंड द नेक्स्ट डे जो हुआ वो हुआ श्रीनगर की राइड। जम्मू से श्रीनगर जो है रोड्स बहुत अच्छा था, और किलोमीटर्स भी उतना ज़्यादा नहीं है, करीब 280 से मैक्सिमम 300 किलोमीटर की है। लेकिन प्रॉब्लम जो है, मतलब एक तो है कि ट्रैफिक होता है बहुत सारा वो रोड पे, एंड सेकेंड है कि बहुत सारा टर्न्स रहता है और वो मतलब घाट टाइप रोड्स है, तो उसी की वजह से बहुत टाइम लग जाता है ये रोड पे। अब ये रोड पे बस चल रहे थे, क्लाइमेट काफ़ी मतलब सुधर गया था तो ठीक ठाक ही था, क्या क्लाइमेट बोल सकते। फिर हम लोगों ने चेन्नई नसरी टनल जो है अपना जम्मू से श्रीनगर जाने के टाइम पे मतलब रास्ते पे आता है, तो वो टनल होते हुए गए, एंड ट्रस्ट मी गाइस वो एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस था, बिल्कुल लाइटेड था उसके अंदर। पहली बार मैंने ऐसे कोई टनल के अंदर से राइड किया, मैंने तो इनफैक्ट कुछ देर रुकने की कोशिश किया कि कुछ फ़ोटो वीडियो ले लूँ, लेकिन वो थोड़ा रिस्की रहता है वहाँ पे, तो रुका नहीं, लेकिन बहुत अच्छी एक्सपीरियंस था। एंड वेयर, कहाँ पे ये देख लो, मंदिर में ऐसे ही। आज का प्लान तो ये था कि हम लोग जाएंगे सोनमार्ग, बट देन द ट्रैफिक इज सो हाई एंड सो हॉट दैट विल नॉट सोनमार्ग, सो टुडे श्रीनगर। हम लोग जम्मू से श्रीनगर बस पहुंचने वाले ही थे, करीब 50 किलोमीटर और हम लोगों को बचा हुआ था। तब क्या हुआ, हम लोगों को ये पता चला कि कश्मीर में कुछ मतलब एक अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन हो गई है, जहां पे अपना जो अमरनाथ जाने की जो यात्री थे उनके ऊपर शायद अटैक हुआ था, तो उसके वजह से क्या हुआ ना, मतलब थोड़ी सी जो है माहौल थोड़ा क्या बोल सकते हैं डरावना हो चुका था, तो हम लोगों को थोड़ा वी ऑल्सो गॉट स्केयर्ड। तो कैसे कैसे भी करके हम लोग एक होटल चेक इन कर लिए, एंड देन नेक्स्ट डे सुबह हम लोगों को राइड करना था कारगिल के लिए। सुबह सुबह की माहौल है और हम जो है अभी निकल रहे हैं कारगिल सोनमार्ग होते हुए, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो डाल लेक, जो कि बहुत 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 ज़्यादा सुंदर है। सही में कश्मीर को बोलते हैं कि स्वर्ग है, बात बहुत सही है, इट इज़ रियली हेवन ऑन अर्थ। आप देख सकते हो कि वो पहाड़ियाँ, वो दोज क्लाउड्स एंड द लेक इट्सेल्फ इज़ सो ब्यूटीफुल। बहुत अच्छी रोड है और ये करीब मेरे ख्याल से 8-10 किलोमीटर शायद होगा ये लेक आप जो जाते रहते हो, एटलीस्ट 6-7 किलोमीटर्स तो होगा ही, काफ़ी बड़ी लेक है ये। तो ये होते हुए हम लोग पहुंचने वाले हैं सोनमार्ग। वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स सोनमार्ग, सी दिस वाटरफॉल, इट्स काइंड ऑफ ड्रिजलिंग राइट नाउ, हल्का सा बारिश हो रहा है, एंड आप देख सकते हैं कि वहाँ से देखो पानी आ रहा है, पानी नीचे नीचे आ रहा है, तो ऊपर जो हो बर्फ मेल्ट हो रहा होगा,
तो वो नीचे तक आता है। So guys, we have reached Sonmarg and it's a little bit drizzling. I think now almost it has stopped drizzling. So now we'll have some Maggi and coffee and then after that we are going to cross Jojila Pass. And today we're planning to stay at either Dras or Kargil depending on what time we reach. बस कुछ मैगी और कुछ कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग निकल पड़े जोजिला की तरफ, जोजिला पास जो कि इस तरफ का बहुत ऊंचाई पे है। जोजिला करीब करीब 11,000 फीट पे होती है एंड आप देख सकते हो कि रास्ता जो है बहुत डेंजरस होता है, ऑफ रोड है एंड काफ़ी वक्त मतलब जब हम लोग जितने बार भी मैंने गया है वहाँ पे थोड़ा मॉइस्ट रहता है क्लाइमेट एंड इस बार तो बारिश हो रहा था। आप देख सकते हैं कि बारिश हो रहा है एंड फॉगी है, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा था। ऊपर से इसका जो चढ़ाई है थोड़ा स्टिफ रहता है तो इसी की वजह से थोड़ा दिक्कत होता है गाड़ी चलाने में, स्पेशली बाइकर्स के लिए तो बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड देन इस तरफ का ये सबसे हाईएस्ट पीक है, मतलब पासेस आप बोल सकते हो कि हाईएस्ट पास है इस तरफ। तो ये वाला जो हिस्सा रहता है ये सर्दियों में ब्लॉक हो जाता है तो एक तरफ का जो है मतलब कम्युनिकेशन बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस पास बर्फ की वजह से। लेकिन ये बहुत सीनिक रहता है, बहुत ब्यूटीफुल रहता है। यहाँ पे जब आप बाइक चलाते हो ना उसका कुछ अजीब सी फीलिंग आपको आता है, मतलब कैसे बता सकते हैं आपको कि एक अजीब सी फीलिंग आता है और लगता है कि आप खो गए हो नेचर पे, वो रोड्स पे, वो पहाड़ियों में हल्के हल्के बर्फ भी आपको दिखने लगता है। बस जोजिला पास क्रॉस करने के बाद हम लोग निकल पड़े द्रास की तरफ। तो आज की जो स्टे है हम लोग ने करीब करीब प्लान कर चुके थे कि आज द्रास पे ही रुक जाएंगे क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो चुका था एंड इसके बीच और एक प्रॉब्लम मुझे हो गई, वो हुआ कि स्टिक की जो है कैमरा, मतलब जो उसके पास जो पॉइंट एंड शूट कैमरा था वो गिर गया था सोनमार्ग के पास। लेकिन लकीली वो फिर वापस जाके मतलब ढूंढ के ला के आया तो मिल गया फाइनली कैमरा। लेकिन वही हुआ कि इस दिन का जो ट्रिप था हम लोग द्रास पे एंड किए और द्रास पे स्टे कर लिए। ये वाले रास्ते जो है थोड़े ऑफ रोड टाइप हो गया, एक तो बारिश की वजह से मतलब पानी पूरा गीला हुआ था रोड्स एंड ऊपर से गड्ढे वड्ढे सब कुछ था तो उसके वजह से थोड़ी काइंड ऑफ ऑफ रोडिंग हो गया हमारा इस राइड पे। द्रास पहुंचते पहुंचते शायद हम लोगों को 8:30 बज चुका था, थोड़ा अंधेरा ही हो चुका था तो अंधेरे में पहुंचे और फिर वहां पे एक लोकल छोटी सी होटल थी तो उसको ढूंढ के हम लोग चेक इन कर लिए। और उस दिन के बाद जो नेक्स्ट डे था वो हमारा राइड था द्रास से लेह तक। तो द्रास से लेह थोड़ी सी मतलब किलोमीटर्स के हिसाब से तो उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन पूरी की पूरी जो है घाट रोड से तो टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला था क्योंकि यूजुअली हम लोग जब राइड करते थे तो हमारा प्लान जो होता है वो श्रीनगर से हम लोग निकलते हैं एंड रुकते हैं कारगिल पे, नाइट स्टे करते हैं, फिर नेक्स्ट डे कारगिल से अगर हम लोग ले के लिए निकल रहे हैं तो थोड़ा ईजी हो जाता है। लेकिन इस दिन हम लोग बस द्रास तक पहुँच पाए तो उसकी वजह से थोड़ी सी राइड ज़्यादा हो गया। बस अगले दिन हम लोग सुबह निकल गए लेह की तरफ। अब लेह की तरफ जो रास्ता था उसमें मिक्स टाइप का रोड्स था, कभी कभी बहुत बुरा रोड्स था, कभी कभी अच्छे रोड्स था, कभी कभी बहुत स्टिफ रोड्स था और ऑक्सीजन की जो मतलब जो वॉल्यूम है वो भी कम होती जाती थी, मतलब जो एयर वॉल्यूम है उसके वजह से गाड़ियों में भी थोड़ी सी लगती थी कि पावर की जो है कमी महसूस हो रहा था। एंड क्या हुआ ना, ये दिन का जो राइड है करीब थ्रू आउट द डे इट वॉज लाइक ड्रिजलिंग, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। तो बारिश होने से क्या होता है ना, जो क्लाइमेट एक क्लाउडी सा बन जाता है, उसमें आपको क्या है क्लियर स्काई दिखता नहीं है और क्लियर स्काई नहीं दिखने से ये सब जगह पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जो है करीब करीब मडी मडी दिखता है, मतलब तो ब्राउन कलर दिखता है। आप देख सकते हो कि इसमें भी स्काई इतना क्लियर आपको नहीं दिखता है। तो इस दिन का राइड बस ऐसा ही रहा एंड देन फाइनली हम लोग ले जो लद्दाख में पहुँचे रात को करीब 8:30 बजे, अंधेरा हो चुका था, 8:30 या 9 बजे हम लोग पहुँचे। वही हल्का सा बारिश बारिश जैसा ही क्लाइमेट था वहाँ पे। फिर वहाँ पे करीब 8:30-9 बजे फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग वहाँ पे होटल ढूंढे, फिर चेक इन कर लिए एंड पहुँच गए हम लोग फाइनली लद्दाख। तो रिलैक्स किए एक दिन वहाँ पे।
So this is our big first. All three of us have ordered the same. We are bookers. Hey, bookers? From Odisha. From Odisha? Yes. Yeah. Okay. I'm just trapping the butter. I wanted to try. Did you like it? I didn't even wait for the butter. I was so hungry. Okay, so you directly tried it. So guys, guess what? Three people are pulling a bullet that has gone down. It's so heavy that it's very difficult to pull. You can see that. Fourth guy is joining now. And finally, after that, Vikas Rachmala also joins us at Leh. Vikas so Rachmala. Finally, I reached Leh. Yes. So, are we so log- far, so good. Yes. You know, everyone scared me about mountain sickness, but looks so like far, mountain no is going to get sick of me, but nothing has happened so far. Right. So, now we are planning to fly this drone in our hotel where we are staying. So, the hotel name is Hotel Khangri. It's a beautiful hotel. अब इसके बाद हम चले खारदुंगला टॉप. तो मैंने एवेंजर चलाया और खारदुंगला टॉप की अगर आपको डिटेल सी वीडियो देखना है तो ये आई बटन पे है, ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका हूँ. तो खारदुंगला टॉप पहुँचे हम, फिर वहाँ पे करीब करीब हम लोग 40 से 50 मिनट वेट मतलब रुके, सब कुछ खा लिए, मैगी वैगी जो कुछ मिला सब कुछ खा लिए. बहुत ठंड हो रहा था, ऑक्सीजन भी लेस था, लेकिन बस दोस्त लोग जहाँ होते हैं मजाक करने लगे. ओके गाइस, फाइनली वी हैव रीच्ड the Khardungla top. We are done with our K2K trip, Kanyakumari se Khardungla, Kashmir and Khardungla. We really had a good climate, so that's really good. And Khardungla is as always lot of traffic. So this is the K top. That's my bike and Vikas. So buddies, हमने चाय पानी पी लिया है. Chai is over now. And check it out, पीछे देखो क्या beautiful, क्या beautiful. And I'll let you know. अच्छा, now we are where are we? चाय पानी ऑल दिस बहुत इम्पोर्टेंट है. मेरा नाम नूरबू है सर. जिंजर लेमन टी पिलाता हूँ सबको. स्पेशल है, स्पेशल टी बहुत अच्छा लगता है सबको. अभी देखो ये टी पीने के बाद बहुत अच्छा रहता है सर. लेमन टी स्पिरिट, क्या स्पिरिट है भैया. के सर ये जगह का नाम है सर खरदुंग नाला. खरदुंग नाला, नाला सर. सो गाइस खरदुंग नाला. ओके यू कैन गेस सर, आते हो ये जगह आता है खरदुंग नाला. 18000 फीट पे है सर ये जगह. 18380 फीट के उधर की. यस, फिर खरदुंगला से हम लोग निकल पड़े नुब्रा की तरफ, नुब्रा वैली. शाम हो चुका था और हम लोग आराम से ही जा रहे थे. बहुत सारे कॉर्नर्स है ये रोड पे, तो थोड़ा संभाल के जाना पड़ता है और ब्लाइंड कॉर्नर्स है. एंड यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जम्मू कश्मीर में कि कोई हॉर्न भी नहीं बजाते हैं एंड लेन ड्राइव भी नहीं करते हैं, तो थोड़ा रिस्क रहता है. इसकी वजह से थोड़ा केयरफुली चलाना है ये रोड पे. सो फ्रेंड्स, दिस इज द जंस्कार रिवर. सो वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड द नुब्रा वैली. Can see big landscapes and there is a little bit of greenery in the middle of the landscape. So guys, here is the Jhanskar river on my right hand side. Can see it's so near here. Here it is almost like near the road. Bades, so here we are. Kaun si jagah hai bhaiya?
Dixit ke Monastery. Dixit Monastery. Dixit and place. Last night we stayed here at a nice hotel. It was nice sleep and there's a beautiful monastery there. You can see on the top. And then we reached Hundar Valley and we had some fun, as you can see. So we are here at Hundar Desert area and we have so many friends over here, the Mojo tribe. So we have Big Bang biker Raghav here. Bolo, very nice to meet you. finally we met. So we were having a conversation on WhatsApp, but because of bad network, we couldn't meet at all. There is no network at all. Yes, and there is no internet network anywhere, and also the Wi-Fi that we get. It's 25 like, to 30 people are trying to. Oh yes, that for that way. Matter, that also operates as a GPS, a GPRS system. Yeah, exactly. Right? And that too for certain minutes, yeah. Right? So and 1 second, give me the phone. Yeah, please. You just see how remote this place is. Just see how remote this place is. Because 15 kilometers from here is where our camp was. And Dixit Monastery is up here, which is again 15 kilometers away. And we have come here and we are following the same route. Yes. So that's the best part again. That's how it is. If you have to meet, then you will meet. Yes. Say it in Kannada. If in luck we have to... If we have to meet, we will meet. So, if we have to meet, definitely. Namma Bangalore. Namma Bangalore. 1 year, I'll learn Kannada and I'll talk in Kannada because we have a lot of brothers from Kannada. Yeah, dude. Me and Pullu have future plans. We'll see. Yes, we'll ride together to crazy heights. Crazy heights, yes. Yep. Thanks, guys. Thank you so much, Raghav. So, super. Catch up. Chalo. Bye. Here, at the monastery, at this skit. See this, guys. It's so beautiful. And just see the place around this. This is some 109 feet or something high. And finally, we rode back to Leh from Nubra. So, this day by the evening, we reached Leh city. And then next day, we thought that we will take a break at Leh city and we will go for a local sightseeing. So, as per the plan, we went for a local sightseeing, visited few of the places in and around Leh. And then, the next day was a ride back to Manali. So, we are leaving from Leh Ladakh. It's the last day and we are riding to Manali. Today, probably we will stay at Sarchu or Kelong. So the idea is today we'll try to ride till Kelong. We'll actually try. It's quite a lot of distance and with a lot of bad roads and it takes a lot of time actually. There is our friend Vikas who came all the way from Hyderabad. So he's also having his flight just after like 2 hours. So thank you so much, Vikas. Thanks, buddy. Phir se milenge next trip pe. Yep. Okay. So Raju sir is all set. Raju sir, yep. All okay? Ready. Then my wife is here. All okay. Sugat. Wow. Oh, this is Stick. Sugat is there. Right. It's going to be a 2-day ride to reach Manali. And this is going to be one of the toughest route where we are going to face a lot of difficulties like
water crossings and all that stuff. So this patch of the road is going to be the longest road without a fuel pump, almost 350 kilometers. So for that matter, we have to carry some extra fuel with us, especially for the Duke and also for the Dominus as well. ले से निकलने के टाइम पे लग रहा था कि कुछ छोड़ के जा रहे हैं, बहुत मिस करने वाले हैं. मेरा तो ऑलमोस्ट 6-7 times ले हो गया है, लेकिन फिर भी हमेशा ले छोड़ने के टाइम पे एक अजीब सी, मतलब जस्ट दैट के आई एम नॉट हैप्पी लिविंग ले. लगता है कि बहुत कुछ छोड़ के जा रहे हैं. So friends, right now we are at Panglong La. So last time when I came here, this place was like full of snow. On the way also we had lot of snow, but right now it's all like dry because this season we came little late. For like 17,582 feet, little breathing problem is there. I mean like oxygen is quite less, and I've got a throat, what do you call, a bad throat. So after crossing Taglang La, we crossed Murray Plains and finally we reached Pang by afternoon. And then from there we started riding towards Sarchu, and today we could only make it till Sarchu. That is what we felt at that moment. So roads were quite bad. From Pang to Sarchu took quite a lot of time for us to reach there. Oh yes, I have a subscriber over here. Yes, I'm good. You're going back? I'm going back. Where are we? Kanyakumari to Kashmir. Yeah, I followed. Video. Nice. I think I saw you do it. Yes. Wow, I just got a subscriber here. So friends, I have connected an entertainment system in my bike. You can see here, there is a stick. This is for me and others. And finally, we reached Sarchu properly in time. Almost like 5:30 or 6, we reached Sarchu. So Strig and Raju sir were already there. So waiting for us. They rode quite faster than us. We were like, हम लोग आराम से फोटो लेके वीडियो लेके पहुंचे. और यहाँ पे हम लोग ने एक टेंटेड एकोमोडेशन ढूंढ लिया अपने लिए. तो काफ़ी अच्छा था टेंटेड एकोमोडेशन एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा था. वी आर हियर एट सरचू एंड यस्टरडे वी स्टेड हियर टेंटेड एकोमोडेशंस. कैन सी हियर वेरी नाइस प्लेस. या इट्स रिकमेंडेड फॉर ऑल द पीपल. सो दिस इज या सो दिस इज व्हाइल यू एंटर सरचू फ्रॉम आई मीन इफ यू आर कमिंग फ्रॉम ले. This place comes at the first on your right hand side, and this is a good place, and overall the scenery is good here. You can see the pahadi behind me. So we are just trying to have tea. Usually I don't drink tea, but with this cold climate I think tea makes sense. Aaj ka ride hum logon ke liye hai kareeb 220 25 ya 30 ya 50 hoga. 50 ha, lekin aaj pura nala cross karenge. ये मनाली जाने के टाइम पे जितना नाला आता है ना, ऐसा 12 लच्छे के बाद, सॉरी नॉट 12 लच्छा, आई थिंक आफ्टर सरचू विल फेस 1 or 2. बट आजकल ऐसा हो गया कि नाला सब बंद कर दिए हैं और उसके ऊपर ब्रिज बना दिए हैं. पहले जो हम लोग आए थे बहुत बड़ा बड़ा नाला था, तो वो बात है. अब मेरा गाड़ी जो है सबसे भारी है बिकॉज सामान फुल्ली लोडेड है एंड उसके ऊपर मैं और मेरे वाइफ दोनों हैं. अब हमारा जो राइड था वो था कि मनाली तक पहुँचना है सरचू से. तो ये वाले राइड में हम लोगों को काफ़ी ख़राब रोड्स मिला, मतलब जैसे आप देख सकते हो कि नाला मिला और क्लाइमेट जो है बहुत ख़राब हो चुका था. वो एंड फाइनली वी डिड इट. Guys, can you see the clouds moving so fast? Oh, guys, can you see the clouds?
मौसम इतना खराब था कि चलाया ना जा सका। बहुत सर्दी थी और ऊपर से बारिश भी हो रहा था, तो मतलब सर्दियों की वजह से हाथ पूरा जम गया था, बहुत डिफिकल्ट हो रहा था चलाने में। तो मैंने सुगत को इंस्ट्रक्ट किया कि सुगत मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को ये क्लाइमेट में मनाली की जो घाट है, मतलब जो रोहतांग है, रोहतांग पास क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि रोहतांग पे क्लाइमेट जो होता है बहुत अनप्रडिक्टेबल होता है। तो कभी भी आपको अगर ऐसे नज़ारा देखने को मिलता है, मतलब ऐसे ख़राब मौसम मिलता है बिफोर रोहतांग, तो इट इज़ बेटर कि आप उससे पहले ही कहीं रुक जाएँ। इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग केलोंग में रुक जाएंगे, एंड वो बहुत अच्छी डिसीजन था जो कि हमको बाद में पता चला। The hotel where we stayed last night, it was actually raining. The idea yesterday was to ride till Manali, but it started raining and Rohtang is something which like where we get a lot of landslides if there is rain. So we thought let's stop, take a break, and then tomorrow we can ride. See this board to understand who else have come here. So many stickers. Oh, Lonely Planet. This is quite a famous hotel. And we have weekend ride here. Wow. So today the climate was a sunny day, and thankfully we made the right decision of not riding on these kind of roads yesterday. Imagine कीजिए कि अगर ये रोड पे हम लोग कल राइड किए होते, मतलब बारिश के साथ, तो बस। गया पूरा जूता कीचड़ में। मजा आ गया। अभी तक का सबसे बढ़िया रोड यही था। वेल, कुछ ऐसे ही रोड है जो कि आपका रोहतांग चढ़ने के टाइम पे मिलता है। ये अगर आप लेह की तरफ से आते हो तो आपको मोस्टली थ्रू आउट द ईयर आपको ये ऑफ रोड जैसा ही मिलता है, एंड एक बार आप रोहतांग चढ़ लेते हो उसके बाद फिर रोड्स अच्छे हो जाते हैं। And surprisingly, there is no snow here. Guys, there is a landslide here. You can see they're trying to clear up the road. I mean, the worst thing is that a lot of vehicles stuck. If you can see there, if you just zoom in, I'm not sure if you can see this. Lots and lots of vehicles are stuck there. Let's see how much time it is going to take us to reach Manali. So guys, finally the landslide is cleared and we are now moving ahead. So we are behind an ambulance because obviously the ambulance will be given the first priority. Well, landslide to clear ho gaya, lekin uski wajah se jo jam laga tha uske wajah se hum logon ko kam se kam 4 to 5 hours लग गया, जो कि ये 40-50 किलोमीटर कवर करने के लिए, और अब तक का सबसे मुश्किल काम यही था, क्योंकि इतना राइड करने के बाद आप जब इतना सारा ट्रैफिक देखते हो, बस भाई साहब हो गया आपका राइड। जीबोनी किंतु इतने बात जीबो अस्त से मार्डल कार वाले, बस वाले, ट्रक वाले, क्या काम सर। चलो फाइनली कैसे कैसे करके मनाली पहुंच गए, राहत आ गया। अब जो प्लान ये है कि हम लोग यहाँ पे होटल चेक इन करेंगे, एंड करने के बाद फिर कल हम लोग निकलने वाले हैं चंडीगढ़ की तरफ। चंडीगढ़ जो है करीब यहाँ से 280 किलोमीटर्स है, फिर वही घाट वाला रोड है, लेकिन टेम्परेचर डेफिनेटली अपना वॉट लगाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। आई नो ये वीडियो बहुत लंबा बन गया क्योंकि
ट्रिप भी है, काफ़ी लंबी वाली ट्रिप है। आप सोचो कन्याकुमारी से कश्मीर की है एंड फिर चंडीगढ़ तक ये सब कुछ राइड किए, करीब 5 से 6 हज़ार किलोमीटर की राइड किए, तो डेफिनेटली लंबा होगा। मैंने जितना कोशिश कर पाया बस कट करके आपको दिखाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इसमें से मिल गया होगा। अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो या फिर मेरे कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को एंड आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, तो जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं आपको रिप्लाई बैक कर दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम जो आईडी है वो है बुल्लू बाइकर और फेसबुक पे भी सेम आईडी है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय। ये साल भी मैं करीब 2 से 3 राइड करने वाला हूँ लंबा वाला। एक रहेगा नेपाल, दूसरा नॉर्थ ईस्ट और तीसरा जो है फिर से आइदर स्पीति या फिर लद्दाख, बहुत जल्दी होने वाला है। So hope you can understand from my face. We left all that cold climate and now entered into hot climate. You can see from my face how do we do. So friends, the final day of the trip and now we are all set to send our bikes through Gati. We are right now at Chandigarh and we are at this hotel called Hotel 9 City. अब मैं आपको दिखाऊंगा कुछ drone shots और सिनेमेटिक शॉट्स फ्रॉम आवर लेह लद्दाख ट्रिप। एंजॉय कीजिए एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। Starlight, it's our light.